सिनेमा जगत में सितारों को लेकर तमाम खबरें सामने आती रहती हैं, कभी इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर। देखा जाए तो हिंदी सिनेमा जगत में गुजरे जमाने में कई ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन इनमें से कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगातार कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा दिखाती हुई नजर आ रही हैं। भले ही उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस को एंटरटेन कर ही रहे हैं। वेल, दोस्तों आपको बता दें कि 60 से 70 का दशक एक ऐसा दशक था, तब उस दौरान कई एक्ट्रेस ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में डेब्यू किया था, तो वहीं 80 से 90 के दशक में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। और आज भी इंडस्ट्री में तमाम पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस के जरिए लोगों को अपना दीवाना बनाकर रखा है, लेकिन गुजरे जमाने में देखा जाए तो एक्ट्रेस अपनी दमदार एक्टिंग के चलते ही हमेशा ही लोगों के दिलों पर राज करती हुई नजर आई हैं। उन्हीं में से एक हैं पॉपुलर खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज। जी हाँ, गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस में की जाती है उनकी गिनती, तो वहीं अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी के दिल पर उन्होंने राज किया था। मुमताज ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए ही नहीं बल्कि अपनी डांसिंग स्किल्स के भी जरिए लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। वो प्यारी सी मुस्कान आज भी लोगों को मोहित कर जाती है जब मुमताज को देखा जाता है उनकी पुरानी फिल्मों में। हमेशा से ही मुमताज ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, तो वहीं बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने यहाँ पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर मुमताज को जो रोल दिया वो बेहद ही पॉपुलर एक्टर ने दिया, जिनका नाम है दारा सिंह। जी हाँ, पहलवानी के लिए जाने जाते थे दारा सिंह। भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी दमदार एक्टिंग को लोग याद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं दारा सिंह और मुमताज की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जिस तरीके से मुमताज ने यहां पर बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस डेब्यू किया था फिल्मों में, तो वहीं यहां पर दारा सिंह की नज़र पहली बार मुमताज पर पड़ी थी और इस तरीके से यहां से शुरुआत हुई थी मुमताज की फिल्मी सफर की, जिसके बाद उन्हें बैक टू बैक ऐसे कई ऑफर मिले जब वो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती हुई नजर आई। ऐसे में यहाँ पर आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत में कई पॉपुलर एक्ट्रेस आई और वहीं उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, और उन्हीं में से एक गिनी जाती हैं बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कही जाने वाली मुमताज। जी हाँ, मुमताज ने अपने दौर में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने यहाँ पर कई सुपरहिट फिल्में भी दी, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी काफ़ी सुर्खियों में बनी रहीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुमताज की जिंदगी से जुड़े एक और ऐसी राज के बारे में। जी हाँ, ये राज जुड़ा हुआ है दारा सिंह से। जी हाँ, आपको बता दें कि दारा सिंह ने दुनिया भर में अपनी पहलवानी से अपना नाम रोशन कर लिया था। जी हाँ, भारत का नाम उन्होंने रोशन कर दिया था, तो वहीं करीबन उन्होंने 500 मैचों में कोई उन्हें हरा भी नहीं पाया था। बता दें आपको दारा सिंह के बारे में, तो दारा सिंह आज भी फैंस के लिए एक ऐसे सुपरस्टार कहे जाते हैं जिसके वो हकदार हैं। भले ही दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दारा सिंह ने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके वो हकदार थे। दरअसल आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी था जब मुमताज़ का नाम जुड़ा था दारा सिंह से। जी हाँ, इन दोनों की मुलाकात हुई थी जब पहली फिल्म आई थी किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद दूसरी फिल्म फौलाद, और ऐसे में फौलाद के लिए एक्ट्रेस को ढूंढा जा रहा था, और उस समय हर किसी ने यह कहकर फिल्म से इनकार कर दिया था कि पहलवान के साथ काम कौन करेगा। और उन दिनों फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची थी मुमताज। जी हाँ, दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक उनमें नजर आ गई। उस समय मुमताज की उम्र थी 14 साल, और वही पहलवान की जोड़ी बन गई मुमताज के साथ।
और इस तरीके से यहाँ पर मुमताज को इस फिल्म के लिए चुन लिया गया। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म फौलाद, मुमताज और दारा सिंह एक साथ नजर आए। फौलाद के बाद दोनों ने साथ में लगातार 14 फिल्में की और यहाँ से इनके प्यार के चर्चे भी शुरू हो गए और इन दोनों के लिंकअप की खबरें भी सामने आ गईं। दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, तो वहीं मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई एसएस रंधावा से हो गई। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा, दोनों के बीच मिलना जुलना बेहद ही कम होता गया। इसके बाद दोनों कभी साथ में नजर ही नहीं आए। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक बार खुद दारा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया था और इस तरीके से मुमताज की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों में रही। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर दारा सिंह के बारे में, तो दारा सिंह ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया तो वहीं उन्होंने दो शादियाँ की थी। उनकी पहली शादी बच्चनो कौर से 14 साल की उम्र में हो गई थी, तो वहीं उस समय बच्चनो दारा सिंह से एक साल बड़ी थी। जब दारा सिंह 16 साल के हुए तो उनको एक बेटा भी हुआ। ऐसे में दारा सिंह की पर्सनल लाइफ के भी काफ़ी चर्चे हुए थे। बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद बच्चनो कौर उन्हें छोड़कर चली गई और वो कभी वापस नहीं आई। इसके बाद उन्होंने 1961 में शादी की सुरजीत कौर से और उस दौरान यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी किया करते थे दारा सिंह। और उस समय उनको 3 बेटे हुए और 3 बेटियाँ, जिनमें से एक हैं बिंदु दारा सिंह। वेल दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर मुमताज के बारे में, तो मुमताज ने इस तरीके से दारा सिंह से धीरे धीरे दूरियाँ बना ली थी और यहाँ पर इन दोनों की अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थी। और वहीं मुमताज ने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल किया था और लगातार उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी थी। मुमताज ने यहाँ पर अपने करियर में इन सुपरहिट फिल्मों के ज़रिए वो नाम कमा लिया था जिसकी वो हकदार थी। तो वहीं मुमताज ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, तो वहीं विनोद खन्ना के साथ भी। आपको बता दें मुमताज के बारे में, तो मुमताज के पिता अब्दुल सलीम अस्करी और माँ शादी हबीब आगा ईरान में रहा करते थे। वहीं मुमताज के जन्म के महज 1 साल बाद ही उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था और तलाक के बाद मुमताज की माँ मायके रहने लगी थी और आर्थिक तंगी की वजह से मुमताज और उनकी बहन मलाइका ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला कर लिया था। तो यहाँ पर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर आई मुमताज। तो वहीं साल 1958 में इन्होंने सोने की चिड़िया फिल्म से डेब्यू किया था। इसके अलावा मुमताज ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तो वहीं यहाँ पर मुमताज ने बिंदु दारा सिंह के साथ काम करने के बाद इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दारा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरे पास फिल्मों की लाइन लग गई थी, मैं उनकी हमेशा ही आभारी रहूँगी। इसके अलावा मुमताज ने कई फिल्मों में उनके साथ काम किया। तो वहीं एक फिल्म के लिए दारा सिंह 4.5 लाख रुपये लेते थे, तो वहीं मुमताज 2.5 लाख रुपये। और उस दौर की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाने लगी थी मुमताज और यहाँ पर दारा सिंह की वजह से मुमताज बेहद ही फेमस होती हुई नजर आई जब उन्हें रोल मिल गया दारा सिंह के साथ उनकी फिल्म में। इसके अलावा आपको बता दें मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म की 2 रास्ते, तो वहीं ये जोड़ी भी बड़े पर्दे पर काफ़ी सुपरहिट रही। लेकिन जब नजर आई अमिताभ बच्चन के साथ, तो इंडस्ट्री में यहाँ पर अमिताभ जब कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे और एक वक्त ऐसा भी था जब मुमताज की खबरें दारा सिंह के साथ उड़ने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम चीज़ें सामने आई। उस दौरान यहाँ पर इन दोनों से जुड़ी तमाम बातें सामने आने लगी। हर किसी की जुबान पर दारा सिंह और मुमताज का नाम आने लगा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, मुमताज अपनी फिल्मी सफ़र में आगे बढ़ती चली गई, तो वहीं दारा सिंह भी अपने अलग ही लाइफ में बिजी हो गए और इस तरीके से इन दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन हमेशा ही दोनों ने इंटरव्यू में एक दूसरे की तारीफ ही की। भले ही ये दोनों एक दूसरे के साथ ना मिल पाए हों, लेकिन इन दोनों ने हमेशा ही एक दूसरे को प्यार से ही अपने सवालों के जवाब देते हुए नजर आए।
वेल दोस्तों देखा जाए तो मुमताज अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफ़ी सुर्खियों में बनी रही थी, तो वहीं दारा सिंह भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे। ऐसे में आप क्या कहते हैं यहाँ पर मुमताज के बारे में, ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।